वो कुमार स्वामी के बेटे को मुश्किल है, लेकिन फाइट देहातों में सख्त है, लेकिन यहाँ टाउन के अंदर सीपी अवेशर का नंबर वन में है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर चनपटना में, आसानी के साथ जीत सकते हैं। टीपी योगेश्वर देखिए, जब कांग्रेस में थे तब भी हमारे वास्ते काम करी, बीड़ी मजदूरों के क्वार्टर सा बना को दी, पायन का रोड ला को दी, बहुत सारे अभिवृद्धि का काम कर रहे, सीपी योगेश्वर के सिवा कोई भी कौन सा भी काम कर को नहीं। इनो भी थे डॉक्टर माई कुमार स्वामी भी, जरा बराबर भी माइनॉरिटी का कौन सा काम हुआ नहीं अभी तक। देवेगौड़ा की इज्जत करते हैं क्योंकि कर्नाटक के आस्ते हैं, देवेगौड़ा उनके घर के आस्ते नहीं, कर्नाटक के आस्ते हैं। कुमार स्वामी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो निखिल कुमार स्वामी आके हैं खड़े हैं इधर, उन्होंने क्या चनपटन को उनका करोगे क्या, उनको क्यों क्या देखो है? जैसा योगेश्वर पहले आए 1999 में बीड़ी कॉलोनी के वास्ते 220 घर मुसलमानों के वास्ते ईदगाह 5 एकड़ जमीन दिए और बहुत सारे अभिवृद्धि प्रोग्राम उन्होंने डाले को ही। हम मेरे को योगेश्वर चाहिए। क्यों योगेश्वर क्यों? निखिल कुमार स्वामी उससे तो भी ज्यादा नौजवान, आपकी उम्र का है। नहीं, योगेश्वर चाहिए हमें। हमें जमाने से योगेश्वर के फॉलोअर, आज भी आइंदा भी योगेश्वर जो काम किया है आज तक चनपटना में कोई भी किया है भी नहीं, करेगा भी नहीं। कामयाबी के साथ योगेश्वर आता है, सारे मजदूर और ये चनपटन एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे हिंदू भाई भी उस शेख में है, कसीर वोट हिंदू के ही मिलते हैं और मुसलमानों के जो 35,000 वोट सॉलिड है वो सॉलिड योगेश्वर जाएंगे। योगेश्वर सर लोकली हमें देखे, उन्होंने AIT इलेक्शंस कंटेस्ट कर को ही उसमें 5 में कामयाब हो को ही, वहाँ से हमें अंदाज़ा लगा। ये बोलते हैं कि सही दूसरे दूसरे पार्टीज से कर को बोल को, बट पार्टीज कौन से भी रहें दे, उन्होंने यहाँ के वोटर्स को समझी और यहाँ के जमनी हालत को समझी और वो हिसाब से हाँ यस आई विल रिस्पेक्ट और देवेगौड़ा सर आल्सो बिकॉज उन्होंने रिजर्वेशन कर को ही मुस्लिम्स के वास्ते माइनॉरिटीज़ के वास्ते अगर को बोला उनको सब यस उनके पीरियड में उन्होंने करते हैं। और जब हमें जब एज वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री इट इज़ ऑल अबाउट पीपल्स। खंडितवागलू ग्यारंटी योजने कांग्रेस सरकार अल ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಫ್ರೀ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ 100% ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ BJPಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಈವನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಭುತ್ವ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಬಾದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಮಗೊಂದು 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಮಗೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಬಾದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟತನವೂ ಹೌದು, ಇದೆರಡೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗರ್ ಆಪ್ನೆ ಏಸಿ ಬಾತ್ ಸುನಿ ಹೇ ಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿನೆ ಜೀತ್ ಚುಕಾ ಹೇ ಜೀತ್ ಚುಕಿ ಹೇ ತೋ ಶಾಯದ್ ಅವಾಮ್ ಕಿ ಯೇ ಆವಾಜ್ ಹೇ ಯೇ ಲಹರ್ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತೋ ಕಿ ಲಡಾಯಿ ಹೇ, सिद्धांतों पे लड़ी जाएगी, प्रिंसिपल्स पे लड़ी जाएगी। ये एक पार्टी है जो हर एक को साथ लेकर चलती है, उनके दुख सुख में रहती है, एक पार्टी है लोगों को बांटने का काम करती है और JDS उन्हीं के साथ जमी है। तो मैं समझता हूँ कि कर्नाटक की अवाम और खुसूसन चनपटना की अवाम, ये पार्टी जो लोगों को जोड़ती है कांग्रेस पार्टी जीतेगी।